कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है और अब फिर बुरहानपुर मॉडल चर्चा में आ गया है। बुरहानपुर में कोरोना का संक्रमण रोकने में जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया है। जुलाई के महीने में सीएम शिवराज ने इस मॉडल को बाकी जिलों को अपनाने की सलाह दी थी। अब एक बार फिर संक्रमण बढ़ रहा है तो बाकी जिलों के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य आयुक्त ने भी बुरहानपुर का रुख किया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल बुरहानपुर पहुंचे और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए बुरहानपुर मॉडल को देखा। दरअसल बुरहानपुर पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने में आदर्श जिला साबित हुआ है। यहां सबसे कम एक्टिव केस है। 25 नवंबर तक कोरोना की स्थिति देखें तो यहां कुल 801 मामले सामने आए हैं। अभी तक 26 लोगों की ही मौत हुई है, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 767 है और एक्टिव केस की संख्या है 8, जो प्रदेश में सबसे कम है। यानी रिकवरी रेट करीब 95% है। कमिश्नर ने अधिकारियों से चर्चा की और इस मॉडल की जमकर सराहना की। मेरा कहना है ये जो पूरी सभी अंग द्वारा मिलकर एक टीम के तौर पे काम किया गया वो वाकई में सराहनीय है और उसी कारण यहाँ सक्सेस पूरी 100% अर्जित हुई। जो जो आपके बिंदु अन्य डिस्ट्रिक्ट में परिस्थितियों को देखते हुए और लागू किए जा सकते हैं हम और करेंगे, पर हमारा मध्य प्रदेश में वाकई में पहले से भी दूसरी स्टेट्स के मुकाबले अच्छा काम हुआ है। यहाँ से कोई और लर्निंग होगी उनको भी हम दूसरे जिलों के साथ शेयर करेंगे। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सीमावर्ती जिला है, इसलिए यहाँ संक्रमण बढ़ने का खतरा था, लिहाजा लॉकडाउन के बाद और फिर अनलॉक में भी एहतियात बरतने की जरूरत थी। लॉकडाउन के दौरान जो कदम उठाए गए उसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर सील की गई, हाईवे की तीनों चौकियों पर सख्ती बढ़ाई गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों से महाराष्ट्र जाने वाले कच्चे रास्ते सील किए गए थे, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की गई, उन्हें घरों में 14 दिन तक क्वारंटाइन किया गया, आने जाने के लिए ऑफलाइन पास सिस्टम लागू किया गया था, इमरजेंसी होने पर ही महाराष्ट्र जाने की अनुमति दी गई, किल कोरोना अभियान से पहले 2 बार यहाँ स्क्रीनिंग की गई। बुरहानपुर में फीवर क्लिनिक की शुरुआत प्रदेश में सबसे पहले हुई। रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की जानकारियां भी जुटाई गई। अनलाइक में अभी भी हम लोग पूरी तरह से तत्पर है, सुविधाएं दे रहे हैं, लोगों को सहायता कर रहे हैं और जहां तक जो भी हमें पॉजिटिव केस मिलता है उसकी हिस्ट्री की तलाश कर रहे हैं और उस तक पूरी की पूरी हम लोगों की टीम जा रही है। अब एक बार फिर बाकी जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं तो बुरहानपुर मॉडल को लेकर बाकी जिलों की दिलचस्पी बढ़ गई है और इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। दरअसल कोरोना संक्रमण रोकने में जितनी कोशिश प्रशासन ने की लोगों ने भी उतना ही सहयोग दिया है। शायद यही वजह है कि बुरहानपुर पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने में आदर्श जिला बनकर उभरा है। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज़, बुरहानपुर।